नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमा किचन हेल्दी फूड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्व के पूरे देशवासियों को हेमा किचन हेल्दी फूड की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं, मैं बनाऊंगी चटपटा आलू जो व्रत में खाया जाता है, तो मैं यहाँ पर सामग्री ले ली हूँ। फ्रेंड, हमने यहाँ 10-12 आलू लिया हुआ है, तो हमने उबाल कर इसका छिलका उतार लिया है, तो इतना हमने कट कर लिया है, दो बचाया हुआ है। मैं छोटे छोटे पीस में इनको भी कट कर ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमने एक टमाटर लिया हुआ है, तो मैं इसे बारीक काट ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमने बारीक टमाटर काट लिया हुआ है, तो मैं धनिया का हरा पत्ती भी काट ले रही हूँ बारीक। फिर ये देखिए फ्रेंड, हमने हरा धनिया को काट ले रही हूँ। आगे का सामग्री देख लीजिए। ये देखिए फ्रेंड, हमने हरा मिर्च लिया हुआ है, 6 काट लेना है लंबे लंबे टुकड़े में। एक काली मिर्च पाउडर हमने कूट कर बनाया हुआ है, ज्यादा मतलब ज्यादा इसे नहीं कूटा हुआ है, दरबरा ही है। एक चम्मच छोटा हमने जीरा लिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, हमने कड़क पत्ती लिया हुआ है, तो जो है पहले का जो पत्ती है वो सब गिर चुके हैं, इस समय पतझड़ चल रहा है, तो ये हमने ये देखो एकदम बहुत ही नरम मुलायम वाला पत्ती लिया हुआ है। फ्रेंड, हमने सेंधा नमक लिया हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो हमने घी डाला हुआ है फ्राई करने के लिए। हमारी घी पिघल चुकी है, तो मैं इसमें जीरा का तड़का लगा ले रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड तेल भी डाल के फ्राई कर सकते हैं। तो जीरा हमारा चुटक चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ हरा मिर्च बारीक कटा हुआ। एक कड़क पत्ती हमने बारीक काट लिया है। ये बारीक कटा हुआ टमाटर, तो दोस्तों आप खाते हैं तो डालें, ना पसंद हो तो ना डालें। तो टमाटर वगैरह पक रहे हैं, तो मैं इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल दे रही हूँ, एक चम्मच से ज्यादा थोड़ा डालूंगी। अब इसे अच्छे से भून लेना है नमक के सहायते से, एक टमाटर जो है अच्छे से गल जाएगा। तो फ्रेंड, ये देखिए टमाटर वगैरह पक चुके हैं, तो मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। तो उबाल कर हमने आलू लिया हुआ था दोस्तों, आप चाहें तो छिलका उतार के पतला पतला काट के फ्राई कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। तो चला दे रही हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए हमारा आलू कितना अच्छा लग रहा है देखने में, इस तरीके से बना के खाएंगे तो दोस्तों पेट भी भर जाएगा, तो भूख भी मिट जाएगी। दोस्तों आप इसे चाय के साथ में खा सकते हैं, उपवास में जिसे व्रत बोला जाता है, तो व्रत में आप अच्छे से इसे बना के खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। तो गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से भून लेना है दोस्तों। ये देखिए अभी कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है, जब चिपकने लगेगा तो मैं चूल्हे से नीचे उतार दूंगी। तो ये देखिए काली मिर्च पाउडर मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें, और बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ती, तो अच्छे से अब इनको मिला लेना है। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, आप खाएंगे जैसे मीठा खा के तीखा खाने का मन करता है व्रत में, तो जरूर इस तरीके से बना के खाएं, मन खुश हो जाएगा एकदम। तो देखिए फ्रेंड, हमारा ये आलू का बघार कितना अच्छा लग रहा है, चटपटा आलू। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके हमें बताएं हमारा कैसा बना हुआ है वीडियो। तो फ्रेंड, ये देखिए कढ़ाई में चिपकने लगा है, यानी कि ये पक चुका है। ये देखिए साइड साइड में ये गोल्डन कलर के एकदम हो गए हैं, चिपकने लगे हैं, तो मैं इनको उतार लेती हूँ चूल्हे से नीचे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो व्रत में खाया जाता है चटपटा नाश्ता आलू का बन के तैयार है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो दोस्तों अब मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।